वहाँ हो गया सर। हेलो 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 हेलो। जैन दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल दोस्तों कलम से क्रांति। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 27 अक्टूबर 2022 की उस क्लास में, जिस क्लास में आज आपका लास्ट रिवीजन है। आज आपका दोस्तों याद रखना लास्ट रिवीजन है, और आज ही के दिन आप लोग क्या करोगे, दिवाली में जो आपका ऑफर चल रहा है वो भी दोस्तों आपका लास्ट है, जिस ऑफर में आपको एग्जाम्पल के प्रत्येक कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट दोस्तों देखने के लिए आपको मिल रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो 27 अक्टूबर 2022 डेट याद रखो। और हमने आपसे कहा था कि कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे 71वें नंबर से। याद आया? ऑफकोर्स आया होगा। तो याद रखना, वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए किया गया था? क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है पहले से। लेकिन होप सो आप सभी की दीपावली, और कल थी आपकी भैया दूज, आपने भैया दूज का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा होगा अपनी बहनों का, ये भी आप लोग दोस्तों सही तरीके से जानते हो। सभी लोग अपने अपने घर पर हैं, हम भी अपने घर पर हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अब इससे ज्यादा आगे मत पूछना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? इससे ज्यादा आगे मत पूछना, बस चुपचाप क्लास कवर करो। उसके बाद ये सेशन कल आप लोग मेरे साथ लाइव डेली करंट अफेयर को कवर करोगे, ठीक है? सिर्फ कल के लिए। कल है 28 तारीख, कल है 29 तारीख, और परसों है 30 तारीख। और परसों जो 30 तारीख है, परसों 30 तारीख को आप लोग मेरे साथ दोस्तों डेली डेली करंट अफेयर, क्या परसों 30 तारीख को जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के छूटे हुए हैं, ये सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ नर्सों से करोगे। परसों संडे को दोस्तों 30 तारीख को आप लोग मेरे साथ सारे के सारे वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे जो क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी छूट चुके हैं। सर छूट कैसे चुके हैं? जो आपके 23 तारीख को संडे था, 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी क्वेश्चन बने थे करंट अफेयर के, वो तो हमने एक भी पढ़ाए नहीं है, सिर्फ रिविजन आपको करवाए, क्योंकि वो करवा ही नहीं सकते थे हम लोग, है ना? तो वो सारे सारे आप लोग मेरे साथ 30 तारीख को वीकली करंट अफेयर में कवर कर लोगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 71वां। किस आयोग का गठन किस अवधि के लिए किया जाता है? किसी आयोग का गठन दोस्तों किस अवधि तक किया जाता, सॉरी वित्त आयोग का गठन किस अवधि तक किया जाता है? तो याद रखना, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके 5 साल के लिए किया जाता है। कौन सा वित्त कमीशन वर्तमान में है? याद रखना, वर्तमान में जो आपका वित्त कमीशन है वो कौन सा है? याद रखना, आपका 17वां वित्त कमीशन है। 17वें वित्त कमीशन के चेयरमैन के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दोगे? 17वें वित्त कमीशन के चेयरमैन का दोस्तों नाम क्या है? 17वां वित्त कमीशन दोस्तों वर्तमान में आपका चल रहा है, तो आपको बताना है 17वें वित्त कमीशन के दोस्तों चेयरमैन का नाम क्या है। 17वें फाइनेंस जो कमीशन है दोस्तों उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके, एनके सिंह, जिसका भी आंसर एनके सिंह है एकदम करेक्ट है, ठीक है? जिसका भी आंसर एनके सिंह है एकदम दोस्तों करेक्ट है। याद रखना, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एनके एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 72। भारतीय संविधान के किस संशोधन में प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्म निरपेक्ष दोस्तों जोड़ दिए गए थे? बताइए। हाँ जी, 17वां जो बना था 2017 में ही बना था, बहुत बढ़िया, 17वां में ही बना था, ठीक है? चलिए, कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसा है जो क्वेश्चन के आंसर को ऐसे दे रहा है जो सच में आंसर है। कम से कम यार देखो, सीधी सी बात है, अगर टीचर आपको कोई भी कुछ पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर सही ही होगा,
हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं कि टीचर सही ही होगा, ठीक है, अपने ऊपर भी विश्वास रखा करो। जिसका भी आंसर है करेक्ट है 15वां, क्या बात है, वर्तमान में जो वित्त कमीशन चल रहा है पहले पे लटक गए, 15वां वित्त कमीशन चल रहा है ना कि 17वां, ठीक है भैया, गुड। जिसका भी आंसर सब सलूट है भाई आपको। भारतीय संविधान के किस संशोधन में प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्म निरपेक्ष दोस्तों शामिल कर दिए गए थे? क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कौन से संविधान संशोधन के तहत प्रियम्बल में, तो दोस्तों भारत का जिसको लघु संविधान कहा जाता है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, और सॉरी सर जी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका 73, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया, और पंचायती राज को अपनाने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो कौन सा था, भारत का जो दोस्तों पहला राज्य बना था उस राज्य का नाम क्या था, तो आपको ऑलरेडी पता है, ये कल पढ़ाया था हमने आपको राजस्थान, क्वेश्चन का आंसर क्या पढ़ाया था, राजस्थान भारत का वो राज्य जिसने पंचायती राज को पहली बार दोस्तों अपना लिया था। लेकिन यहाँ पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दोस्तों दर्जा प्राप्त किया है, किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया 73वां संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत, याद रखना 73वां संविधान, किसके तहत, तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन सर हुआ कब था, 1993 में, कब हुआ था 1993 में, ये दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था 73वां, जिसके तहत पंचायती राज को हम लोगों ने दोस्तों राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछ दिया जाए पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताओ जल्दी से पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, चौबीस अप्रैल, ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों 24 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है, ये बात आप लोग इसी से रिलेटेड याद रखोगे, ठीक है, ओके। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74, संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों जिसमें 2002 में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान करता है, अनुच्छेद 21A, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा 21A आपने दे दिया 21A के तहत, लेकिन वो संविधान संशोधन कौन सा है जिसमें 21A जोड़ दिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन 2002 के तहत, तो याद रखना, बताओ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक ऑप्शन मान लो आपका 84वां संविधान संशोधन, 84वां, एक आपका दोस्तों आ जाता है 82वां संविधान संशोधन, 82वां, एक आ जाता है आपका दोस्तों याद रखना 93वां संविधान संशोधन, और एक आ जाता है आपका 102वां, एक आ जाता है याद रखना 102वां संविधान संशोधन, टोटल हो चुके हैं अब तक 105 संविधान संशोधन जो इंप्लीमेंट किए गए हैं, वैसे तो 100 कुछ करके हुए हैं। यहां पर क्वेश्चन कहां से बताइए क्या होगा दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत, पांच ऑप्शन कर लो, एक और लिख लो 86वां, एक आ जाता है 86वां संविधान संशोधन, 86, 84, 82, 93 या फिर आपका 102, पांच ऑप्शन बताइए, पांच ऑप्शन वाला एग्जाम कौन सा है, बीपीएससी में पांच आते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 86 हो जाएगा, याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 से जोड़ दिया गया, इसके तहत दोस्तों मुक्त शिक्षा का प्रसार, फ्री में शिक्षा छोटे बच्चों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल
युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर का प्रावधान है। वैसे तीन होते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दोस्तों आपको बताया गया है। ऐसा भारत का दोस्तों कौन सा अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलता है, किस अनुच्छेद के तहत, कौन सा दोस्तों आपका अनुच्छेद है? महत्वपूर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? दो, एक होता है जैसे आपका राष्ट्रीय आपातकाल है और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। यहां पर दोनों दे दिए गए हैं, एक होता है वित्तीय आपातकाल और एक होता है दोस्तों बाहरी राष्ट्रीय। वित्तीय आपातकाल सर कौन सा होता है, याद रखना आर्टिकल नंबर आपका 360। और यही पूछ दिया जाए सर राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा होता है, तो आर्टिकल नंबर आपका 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन आपका 77, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता कौन है? भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत के अंदर राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल नंबर 360 के तहत करता है? तो भाई साहब सबसे बड़ा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कौन करता है आपको याद रखना है, भारत का दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 78, बैंकिंग कुरियर रियल इस्टेट परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 78, बताओ फटाफट से। बैंकिंग कुरियर रियल इस्टेट परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? चलिए याद रखें दोस्तों, वैसे टोटल जो आपके क्षेत्र होते हैं वो चार होते हैं, टोटल जो आपके दोस्तों क्षेत्र होते हैं, टोटल जो आपके एरिया होते हैं दोस्तों वो याद रखना चार होते हैं। अगर यहां पूछ दिया जाए क्वेश्चन का आंसर तो याद रखना तृतीयक, यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन का आंसर क्या लिख लोगे दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका आता है 79, जिस स्थिति में कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर, जिस स्थिति में कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है उसको क्या कहा जाता है? और याद रखना ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, किससे? भारतीय इकोनॉमी से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एग्जाम चाहे जो दो, इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी के एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनको आप लोग दोस्तों जर्नल क्वेश्चन के नाम से जानते हो, ठीक है, जर्नल क्वेश्चन के नाम से जानते हो, बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, या हो सकता है ऑप्शन नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी बताइए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी। कुछ ने लिखा है ब्रेक ब्रेक करके, पूरा नहीं लिख पाया है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन का जो तो जो आंसर होगा ब्रेक इवन पॉइंट, क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अगला देखो 80, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल प्रदान करती है? बताइए पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन जो परत होती है किसके विरुद्ध ढाल प्रदान करती है? याद रखना अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी कि दोस्तों
पराबैंगनी किरण है, इनको आप लोग यूवी रेस के नाम से जानते हो। यूवी दोस्तों रेस के नाम से जानते हो। ये रेस कहां से आती है दोस्तों, तो आपको पता होगा, पहले बताओ ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा ओजोन दिवस, ओजोन डे, ओजोन डे पूरे विश्व में मनाया जाता है, बताओ किस दिन मनाया जाता है। और यूवी रेस कहां से आती है, याद रखना सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको अल्ट्रावायलेट रेस या फिर यूवी रेस के नाम से जानते हैं। बताइए ओजोन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। 16 सितंबर सबका आ रहा है, 16 16, ठीक है, 16 सितंबर को अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस दिवस को दोस्तों मनाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 81, वाहनों में पीछे की ओर यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये मान लो दोस्तों आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये मान लो आपके दोस्तों गाड़ी है और आप कहां बैठे हो, यहां पर आप बैठ के गाड़ी चला रहे हो, यहां पर क्या होते हैं दोस्तों आपके मिरर लगे होते हैं, इन मिरर में यहां देखते हो और पीछे का दिखाई देता है, ये मिरर कौन सा होता है, अवतल या उत्तल, कौन सा दोस्तों ये मिरर होता है, बताइए। उत्तल या अवतल, कॉनकेव या कॉनवेक्स, याद रखना दोस्तों कॉनवेक्स, कौन सा होता है कॉनवेक्स, कॉनवेक्स, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, याद रखना आपके उत्तल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क किसके सिद्धांत पर काम करता है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। क्वेश्चन नंबर आपके दोस्तों 82 का आंसर क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, चलिए भैया फिजिक्स वाला है कोई क्वेश्चन का आंसर बता सके, चलो कोई बात नहीं, याद रखना टोटल इंटरनल, ठीक है, टोटल इंटरनल अंदर का, ठीक है, एक्सटर्नल बाहर से, इंटरनल अंदर से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ LIGHT, ठीक है, लाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83वां, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रतिक्रिया का नाम बताइए, सूर्य में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है इस प्रतिक्रिया को कहा क्या जाता है, याद रखना इस प्रतिक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में इसको हम लोग दोस्तों जानते हैं। अगला है 84, कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और बाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में दोस्तों पाया जाता है, ऐसा कौन सा कोयला का रूप होता है, कोयला का रूप जो तो 4 प्रकार का होता है, भारत के अंदर दोस्तों बिटुमेंस पाया जाता है, भारत ने कोयले के उत्पादन के लिए कोयला दर्पण ऐप लॉन्च किया था, लेकिन कोयले के लिए भारत ने दोस्तों नीदरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन, सॉरी जापान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, परंतु क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और बाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है और सबसे ज्यादा प्रदूषण भी करता है क्योंकि इसमें कार्बन 90% होता है, सीधी सी बात है, तो याद रखना एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला भारत के अंदर पाया जाता है लेकिन निम्न मात्रा पर, न्यूनतम, सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है और सबसे जो खराब होता है
बेकार जिसमें सबसे कम कार्बन होता है वो होता है बीट करके। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पीठ कहते हैं उसको, ठीक है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस और सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है किसमें, किसमें होते हैं दोस्तों, याद रखना आपके आर्गन में, किसमें किसका प्रयोग किया जाता है याद रखना आपके दोस्तों आर्गन का। अगला क्वेश्चन 86वां, ऑटोमोबाइल निकास के घटक जो कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकते हैं और एक बड़े शहर की हवा को प्रदूषित दोस्तों कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86। इसको हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं और शॉर्ट में इसको हम लोग दोस्तों पीबी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पीबी लिख देते हैं, तो याद रखना लेड। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखना लेड। क्वेश्चन नंबर अगला 87वां, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइजर करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, मतलब प्यूरिफाई दोस्तों आप लोग जब पानी करते हो तो उसको क्या कहते हैं, इसको याद रखना दोस्तों आपके ब्लीचिंग पाउडर के रूप में हम लोग जानते हैं, किस रूप में इसको हम लोग जानते हैं याद रखना दोस्तों, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। अगला है दोस्तों 86, आपने देखा होगा जब हम लोग पानी में नहाते हैं वाटर पूल वाले में वहां प्रयोग होता है साफ करने के लिए, एंजाइम डैश होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, बताइए एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का काम करते हैं, एंजाइम क्या होते हैं जो कोशिका के भीतर क्या काम करते हैं, कोशिका के जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का काम करते हैं, जिंदगी बनाने का काम करते हैं, लिविंग सेल बताइए उनको क्या कहते हैं, उन एंजाइम्स को। ये तो नहीं सोच रहे सर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिए, टफ ना है ये, नॉर्मल है। बताओ चलिए, अगर क्वेश्चन की आंसर की बात करें दोस्तों याद रखना इसको हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, किस नाम से याद रखना दोस्तों इसको हम लोग प्रोटीन, एंजाइम वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, बताइए भैया क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से बहुत ज्यादा दोस्तों प्राप्त हो जाता है, कौन सा, तो याद रखना आपका विटामिन डी, इसको आप लोग विटामिन डी के रूप में जानते हो। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 90, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो कौन सा रोग फैल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जब आपको दोस्तों पानी के अंदर मिलते हैं और उस पानी को आप क्या करते हो पी लेते हो तो आपको बताना है कौन सा रोग फैलता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है, मुश्किल सबकी है मुश्किल, भाई साहब अगर जॉब ना लगी तो। भैया कौन सा रोग फैल जाता है यार, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है इसी गंदे पानी को पीने से, याद रखना टाइफाइड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 91, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बचने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, सॉरी दोनों को बनने के लिए, हीमोग्लोबिन कब बनता है और मायोग्लोबिन कब बनता है, बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता दोस्तों होती है, किसकी आवश्यकता होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, मानव तत्व
बाल और आंखों को उनका रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? मानव की जो दोस्तों त्वचा है, जब आप लोग कहते हो हम भैया बहुत गोरे हैं, और बहुत से क्या कहते हैं हम बहुत करिया हैं, काले और गोरे, है ना, तो आपको बताना है दोस्तों मानव त्वचा और बालों और आंखों को उनका रंग, बाल काले सफेद भूरे नीले पीले हरे गुलाबी जैसे भी हो जाए, आंख कंजी हो जाती है किसी की नीली हो जाती है, उनको देने वाला उनको रंग जो दिया जाता है दोस्तों उस वर्णक को क्या कहते हैं जो रंग देता है। यहां पर क्वेश्चन का आंसर होगा आयरन, यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों याद रखना आयरन, यहां पर जो क्वेश्चन होगा उस वर्णक को क्या कहा जाता है बताइए। मानव त्वचा बाल और आंखों को उनका रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? मानव त्वचा बाल और आंखों को उनका रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? ठीक है, मेलानिन कुछ का आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, याद रखना इसको हम लोग मेलानिन के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी में आपने दोस्तों किसी ना किसी ने आपको पढ़ाया जरूर होगा 93, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक मसाला है, डैश से प्राप्त किया जाता है। लौंग होता कौन, क्या होती है लौंग, आपको पता हो लौंग क्या, लौंग हो क्या होती है, बड होता है फ्लावर का, फ्लावर का क्या होता है दोस्तों याद रखना बड, ठीक है, सबसे आगे का हिस्सा। अगला है 94, विजेंदर सिंह, शिव थापा, वैभव यादव और दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से दोस्तों संबंधित हैं? इन सबका संबंध दोस्तों किससे है याद रखना, BOXING, इन सबका संबंध दोस्तों आपके बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से है। 95, जय जंप बॉल, कौन सी बॉल, जंप बॉल, फ्री थ्रो, ले अप शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है आपके सामने, वो क्वेश्चन है, जंप बॉल, फ्री थ्रो एंड ले अप शॉट। जंप बॉल, देखो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आप लोग क्रिकेट लगा दोगे क्वेश्चन का आंसर, लेकिन क्रिकेट नहीं होगा, एक खेल होता है जिसको आप लोग दोस्तों बास्केटबॉल के रूप में जानते हो, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोस्तों याद रखोगे। अगला है 96, डैश भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ऐसा कौन सा दोस्तों वीरता पुरस्कार है जो तीनों सेनाओं, भारत की सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य चीजों में मिलाकर सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वीरता में, उस पुरस्कार का सर नाम क्या है बताइए, उस पुरस्कार का नाम है तो क्या है, ओके, परमवीर चक्र, कौन सा चक्र है याद रखना दोस्तों आप लोग, परमवीर, परमवीर चक्र, कौन सा चक्र है, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 97, सीवी रमन के योगदान की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 97, सीवी रमन के योगदान की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है दोस्तों कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर, तो याद रखना इस दिवस को हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं, इस दिवस को प्रत्येक वर्ष हम लोग दोस्तों 28 फरवरी को मनाते हैं। 98, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में दोस्तों की गई थी, पिटक तो याद रखना त्रिपिटक में, किसमें, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 99, 618 CE में, ओके, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसके द्वारा हरा दिया गया था, किसने हरा दिया था, एक व्यक्ति था दोस्तों पुलकेशिन, और पुलकेशिन ने नहीं, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना पुलकेशिन, ठीक है,
पुलकेशिन दोस्तों द्वितीय के द्वारा हराया गया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? महाबलीपुरम का मतलब समझते हो कहां पर है, लेकिन आपको बताना है महाबलीपुरम के जो रथ थे जो अभी भी वर्तमान में देखे जाते हैं वहां पर, उन रथों का निर्माण किसके शासन काल में कराया गया था, यह क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। बताइए किसके शासन काल में कराया गया था। चलिए याद रखना पल्लव, किसके शासनकाल में याद रखना दोस्तों आप लोग, पल्लवंश के शासनकाल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा, सीधी सी बात है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड दोस्तों याद रखना डलहौजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 102, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और ताज के तहत पहला वायसराय जो था उसका नाम क्या था। 103 का आंसर, क्या नाम इस व्यक्ति का था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है भैया, अगला देखो 103, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था। किसके शासनकाल में दोस्तों क्या किया गया था, आपको याद रखना है पारित किया गया था। ये वो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, किसके शासनकाल में। कौन सा गलत हो गया ये, तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 1904 के अंतिम गवर्नर जनरल और ताज के तहत पहला, अच्छा लॉर्ड कैनिंग, हाँ जी बिल्कुल सही है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग, एकदम करेक्ट है। अगला 103, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासन काल में पारित हुआ था। यहां लिख लेना तुरंत सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बहुत अच्छी बात, लॉर्ड कर्जन, गलतियां पहचानना भी बहुत बड़ी बात होती है। 1930 में चटगांव में सरकारी शास्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर, किसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, इस छापे का नेतृत्व किया गया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सूर्य सेन, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था, सूर्य सेन, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था छापे का। 105, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां दोस्तों आयोजित किया गया था, बताइए।
चलिए क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर क्या किया गया था आयोजित दोस्तों किया गया था, तो सीधी सी बात है बॉम्बे। क्वेश्चन सही है, आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, याद रखना बॉम्बे। और दूसरा है 106, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का दोस्तों नाम क्या था, याद रखना सी राजा गोपाल, सी राज गोपालचारी, नाम क्या था सी राज गोपाल चारी, ठीक है याद रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, भारत से ग्रेट ब्रिटेन के लिए धन की निकासी के सिद्धांत को किसने दोस्तों क्या किया था, प्रतिपादित किया था, बताइए। भारत से ग्रेट ब्रिटेन के लिए धन की निकासी के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, इंडिया, ठीक है तो याद रखें दोस्तों, ये जो काम किया था वो किया था आपके हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किसने किया था याद रखना, दादा भाई, यह काम किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है दादा भाई दोस्तों नौरोजी के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, महात्मा गांधी द्वारा 1919 में शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था, बताइए। महात्मा गांधी द्वारा 1919 में शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था, क्वेश्चन नंबर 108। बताइए महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों 1919 में शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था, बताओ। महात्मा गांधी द्वारा 1919 में शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था, चलिए अच्छी बात है, रोलेट एक्ट, ठीक है रोलेट एक्ट के खिलाफ था, किसके खिलाफ था दोस्तों याद रखना, रोलेट एक्ट के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 109, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पाटने का प्रयास किया, उनको खत्म करने का प्रयास किया, किसके तहत दोस्तों, आर्थिक असमानताओं को मतलब जो आर्थिक तंगी थी उसको खत्म करने का प्रयास हमारे महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपकरण से दोस्तों ऐसा किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, बताइए। हाँ जी, एक थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम क्या था वही बताना है आपको, उस थ्योरी का दोस्तों नाम था क्या, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पाटने का प्रयास किया था, ओके ट्रस्ट सीट थ्योरी, ठीक है कौन सी, ट्रस्ट सीट थ्योरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 110, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी का गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, किसका फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी गठन दोस्तों किसने किया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक जो थे, केसरी के संस्थापक संपादक का दोस्तों नाम क्या था, केसरी, तो याद रखना इसको शुरुआत जो किया था वो किया था आपके बाल गंगाधर, बाल दोस्तों गंगाधर तिलक के द्वारा,
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 112 गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू दोस्तों किया था? 1930 में। और डेट क्या थी? 12 मार्च को कब किया था शुरू, याद रखना 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नाम क्या है? मोहिनी अट्टम, बताइए क्वेश्चन का आंसर। मोहिनी जो अट्टम है, निम्नलिखित में से दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नाम मोहिनी अट्टम, नाम मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, चलिए अच्छी बात है, केरला, जिसका भी आंसर केरल है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। राज दर्शन में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन का आंसर आपका केरला। अगला है 114 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों माजुली, ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? माजुली एक प्रकार का आइलैंड है जो आपको दोस्तों आपके असम के अंदर देखने के लिए मिलेगा माजुली। 115 अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम क्या कहलाता है? इसको किस नाम से आप लोग जानते हो? याद रखना देवप्रयाग के नाम से, इसको हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। सर किसको? अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिल जाती है। 116 अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जो महीना चल रहा है आपका अक्टूबर और नवंबर का, इसमें अगर बाई चांस भारी वर्षा हो जाती है तो किसके कारण हो जाती है? बताओ, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ओके, कोरोमंडल तट कहां से दोस्तों, किससे से संबंधित है आपको याद रखना है? आपके कोरोमंडल तट, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है आंसर आपका। कोरोमंडल तट से रिलेटेड है ये, क्लियर। अगला देखो 117 अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन दो देशों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश असम के जस्ट ऊपर है, एक तो आपका भूटा भैया हो गया, एक आपका दोस्तों भूटान हो गया, एक और देश कौन सा है? क्या चाइना है या नहीं है? चाइना है या नहीं है? किन दो देशों से आपसे पूछी गई है, लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वो तीन देशों से दोस्तों टकराता है, भूटान से भी टकरा जाता है, चाइना से भी टकरा जाता है, और आपका म्यांमार से भी, ठीक है, म्यांमार से भी। अगला है दोस्तों 118 पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक दोस्तों वर्षा आपको देखने के लिए मिलती है? पश्चिमी, तो याद रखना एक आपका पंजाब मिलेगा आपको, और एक आपका मिलेगा आपका हरियाणा, दोनों में। अगला है 119 डैस नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर दोस्तों बहती है, उस नदी का नाम क्या है? लूनी रिवर का नाम क्या है? लूनी रिवर। और याद रखना यह दोस्तों वो नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। 120 जादूगोरा सिंहभूम जिले में झारखंड एक महत्वपूर्ण खान है यूरेनियम से रिलेटेड। जादूगोरा जो खान है उनका संबंध है यूरेनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 121 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व दोस्तों
सबसे ज्यादा था? जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे ज्यादा था, जनसंख्या ज्यादा थी तो जनसंख्या घनत्व तो आपसे पूछा गया, तो क्वेश्चन का आंसर बिहार हो गया, और सिर्फ जनसंख्या पूछ दी जाती तो क्वेश्चन का आंसर आपका उत्तर प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 122वां, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह है पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा और दोस्तों किसको कहा जाता है? गर्म भी होता है वो, उसको हम लोग दोस्तों याद रखना वीनस के रूप में जानते हैं। किस रूप में? इसको हम लोग दोस्तों याद रखना वीनस के रूप में जानते हैं। ओके, किस रूप में याद रखना दोस्तों? इसको हम लोग वीनस के रूप में जानते हैं। चलें, वीनस के रूप में जानते हैं। अगला देखो, 123वां क्वेश्चन, महाद्वीप से तीनों अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं, ऐसा महाद्वीप एकमात्र जो है उसका नाम क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र वो महाद्वीप है जहां पे आपको दोस्तों भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉर्न तीनों के तीनों रेखाएं दोस्तों आपको गुजरती हुई मिलेंगी। 124वां ये क्वेश्चन हमने आपको वर्ल्ड मैप में कवर कराया है, अब मत कह देना कि नहीं हुआ, वर्ल्ड मैप में कवर कराया। और यहाँ का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जहां पर कर्क रेखा सिर्फ ग्रीनविच मीन को काटती है, दुनिया का एकमात्र वही देश है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं पैरेलल में, मतलब एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा, काल्पनिक रेखाएं समान वारस सॉरी यार समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? कौन सी वो रेखाएं हैं दोस्तों बताइए? विच इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल? SO8, बहुत बढ़िया। इनको क्या कहा जाता है याद रखना दोस्तों, इनको आप लोग SO8 के रूप में जानते हो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 125वां, लीसिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ हो जाती है। लीचिंग और ऑक्सीकरण, क्वेश्चन क्या है? लीचिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी सबसे अधिक क्या हो जाती है दोस्तों? उपजाऊ हो जाती है। कैसे? ऐसी कौन सी दोस्तों आपकी मिट्टी होती है? लीचिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी क्या कहलाती है बताइए? लीचिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी क्या कहलाती है? लीचिंग और ऑक्सीकरण, हाँ जी भैया सर सुनाई, अरे यार सुनने वाली क्या बात है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा होता है। लीचिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी क्या कहलाती है? चलिए कोई बात नहीं, याद रखना दोस्तों मखरला मिट्टी, इसको हम लोग दोस्तों याद रखना मखरला सॉइल या मखरला मिट्टी के रूप में दोस्तों जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 127वां, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है? भारत के अंदर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, कौन सा? भारत के अंदर जो आपका दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये कहां पर है? असम के अंदर है। असम में टोटल नेशनल पार्कों की संख्या वर्तमान में दोस्तों 7 है। सैटेलाइट फंड करने वाला भारत का एकमात्र नेशनल पार्क आपका काजीरंगा ही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, कैसे शामिल दोस्तों किया गया था? 42वें संविधान संशोधन, 42वां दोस्तों, 42वां आपका संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 में 4 का जोड़ दिया गया, और भाग 4 का संबंध है डीपीएसपी से,
भाग चार का संबंध है डीपीएसपी से और भाग चार का संबंध है चार का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन 129वां, गैर कानूनी रूप से जेल में बंद व्यक्ति के लिए कौन सी दोस्तों रिट एक उपाय के रूप में काम करती है, हैबियस कॉर्पस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। किस रूप में? हैबियस कॉर्पस के रूप में इसको हम लोग दोस्तों जानते हैं। 130वां, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष अगर आपकी आयु है लोकसभा के लिए आप इलेक्शन लड़ सकते हो। मम्मू वाला क्वेश्चन 131, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्याग पत्र को संबोधित करता है किसको? तो याद रखना डिप्टी उपाध्यक्ष को। किसको याद रखना दोस्तों? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष याद रखना किसका? लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही दे देता है, ठीक है, अपना त्याग पत्र। वर्तमान में ओम बिरला, और राज्यसभा के होते हैं सभापति उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, जो आपके वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। अगला है 132, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता अंतराल, जो बीच का टाइम होता है सिर्फ 6 मंथ का। 133, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में अभी बताया था हमने आपको ओम बिरला, और राष्ट्रपति, और वहां पर कौन करता है राज्यसभा में, पता ही आपको, ठीक है, राज्यसभा का आपको दोस्तों ऑलरेडी पता ही है। चलिए सर जी अगला, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या हटाने के लिए दोस्तों कौन अधिकृत होता है? ये पावर होता है दोस्तों प्रेसिडेंट के पास में, देश के राष्ट्रपति के पास में। अगला है 135, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर आपका 136। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु थी 21 से घटाकर 18 वर्ष दोस्तों कर दी गई थी? तो याद रखना संशोधन, याद रखना 61वां, कौन सा? 61वां। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन में उल्लेख दोस्तों किया गया है? तो किसमें किया गया अस्पृश्यता? छुआछूत समझते हो ना, आर्टिकल नंबर कौन सा है? याद रखना आर्टिकल नंबर आपका 17, इसी से रिलेटेड है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपको गारंटी देता है? ऐसा सर जी कौन सा अनुच्छेद है? यह भी आपका आर्टिकल याद रखना आर्टिकल नंबर आपका दोस्तों 21वां। अगला है 139, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में दोस्तों कहा गया था? इस संविधान का हृदय और आत्मा है, आर्टिकल नंबर दोस्तों कौन सा है आपका? 32, कौन सा है? 32। 140, एक अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें माल या धन का अन्य राष्ट्रों से आने जाने का कोई प्रवाह नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना श्रम ना माल या धन का अन्य राष्ट्रों से आने जाने का कोई प्रभाव ही नहीं होता, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना उसको क्लोज इकोनॉमी कह देते हैं। इसको छोटा सा क्वेश्चन है, क्लोज इकोनॉमी मतलब बस जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो बंद तो पड़ा हुआ है यार, क्लोज इकोनॉमी। 39, मुद्रा नोट और छूट गया क्या नीचे वाला नहीं छूटा मुद्रा नोट और 1 रुपए और कम मूल्य वर्ग के सिक्के डैश द्वारा जारी किए जाते हैं, याद रखना इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन सर जी 142, वर्ष में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऐसा कौन सा वर्ष था जब भारत के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? 1969 में। अगला देखो 143, आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता? 370 के तहत जम्मू कश्मीर जो था इसका प्रावधान है, परंतु अब करता है जब हट गई है 370 उसके बाद में, ठीक है। म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण किसके पास दोस्तों होता है? तो याद रखना सेबी के पास होता है। किसके पास? एसईबीआई
फुल फॉर्म क्या होता है सर इसका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये प्राधिकरण है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम है माधवी पुरी बुच। क्या नाम है? माधवी पुरी बुच। 145 प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ के दौरान शुरू किया गया था। गरीबी हटाओ का जो नारा है दोस्तों, इसका जो शुभारंभ हुआ था ये कब हुआ था? 145 का आंसर। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत फिफ्थ फाइव ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? फिफ्थ फाइव ईयर जल्दी बताओ कब चलाया गया था? फिफ्थ फाइव ईयर प्लान कब से कब तक का है? फिफ्थ फाइव ईयर प्लान देखो चला था 1979 तक। स्टार्ट कब हुआ था? 1979 तक चला था, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। सीधी सी बात है यार, हटा दो पांच चार हटाओगे ना, 79 तो है ही खुद में, तो याद हो जाएगा 1974। कौन सा 74? 74। अगला है दोस्तों 146 महासागरों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? याद रखना किसके पास होता है? नेवी के पास होता है, और उसको क्या कहा जाता है? सबको पता होगा इसको, हम लोग दोस्तों सोनार के रूप में जानते हैं। ये वो सोनार नहीं होता है जो सोने चांदी बनाता है कि पता चला समुद्र की गहराई में अंदर वो मापने के लिए किसी भी सोनार को उठा के लेके फेंक दिया जाके समुद्र में, ऐसा नहीं होता। औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रम सीमा कितनी होती है? किसी को पता है? 20 हर्ट्ज से उठाकर, और कब तक होती है? 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, याद रखना जैसे आपका ब्लूटूथ होता है ना, कितनी दूर से कैच कर सकता है, ये वही सिस्टम है। किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता है? किसमें है दोस्तों? किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? तो याद रखना दोस्तों उसको हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं? सिल्वर। क्या कहते हैं उसको? सिल्वर कहते हैं। अगला देखो 149 क्वेश्चन नंबर 149 मायोपिया या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस का। किसका? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। 150 स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना का कारण क्या है? स्विमिंग पूल जो होता है दोस्तों, ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पानी भरा हुआ है, लेकिन आपको ये स्विमिंग पूल जो ऊपर से देखोगे तो दोस्तों बस इतना गहराई दिखाई देता है, इसमें मेरा सिर्फ हाथ ही डूब पाएगा, ऐसा होता है, परंतु क्यों? तो याद रखना रिफ्रैक्शन के कारण। ऐसा क्यों होता है? याद रखना दोस्तों रिफ्रैक्शन, परावर्तन के कारण। अगला है दोस्तों 151 नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो जो तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक होता है दोस्तों आपका कैडमियम, और हाँ एक होता है आपका बोरान, और एक को कहा जाता है कैडमियम, ठीक है याद रखना। 152 आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ है। आधुनिक समय की जो पेंसिलें होती है उसमें प्रयुक्त जो कार्बन आधारित दोस्तों पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है? याद रखना इसको हम लोग दोस्तों ग्रेफाइट। क्या कहा जाता है इसको? हम लोग दोस्तों ग्रेफाइट के रूप में जानते हैं, वही पेंसिल आपकी, ठीक है। अगला देखो 153 वाटर हीटर में इस्तेमाल होने वाली काइल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? वाटर हीटर में काइल बनाने के लिए किस तत्व का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? 153 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है? अच्छा बहुत बढ़िया मेरे भाई, नाइक्रोम का। वाह, याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। सर जी 154 कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? सीधे सा क्वेश्चन है दोस्तों,
तांबा, तांबा कह ही दिया हमने। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, तांबा, क्या होगा तांबा। और तांबा को आप किस नाम से और जानते हो, याद रखना सी ओ डबल पी ई आर, कॉपर के नाम से जानते हो। अगला है दोस्तों 155, निचले वायुमंडल में गैसों की उच्चतम मात्रा में शामिल है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि निचले वायुमंडल में गैसों की उच्चतम मात्रा में शामिल है क्या, निचले वायुमंडल में गैसों की उच्चतम मात्रा में जो शामिल है लेकिन क्या पता है आपको, नाइट्रोजन। सबको पता होगा सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन। 156, कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में दुर्भावना के लिए दोस्तों जिम्मेदार है, दुर्भावना के लिए, याद रखना एक्स वाई। दुर्भावना का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझते होगे दोस्तों गुणसूत्रों में, ठीक है, जो इसका संयोजन होता है रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, समझते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 157, बालों उंगलियों के नाखूनों और खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है। आपके जो बाल हैं दोस्तों, उंगलियां हैं, उनके अंदर नाखून है, ठीक है, खुर गाय भैंस इत्यादि, सींग गाय भैंस बकरी इत्यादि के जो खुर होते हैं, सींग होते हैं, उसमें मौजूद जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है, कैरोटीन। कौन सा होता है, याद रखना दोस्तों आपका कैरोटीन होता है। डॉक्टर आपसे कहते हैं कि कैरोटीन खाया करो तो क्या करोगे, गाय भैंस बकरियां जितने भी हैं इनको सींग, सींग खुर नाखून बाल पीस के चटनी बना के अरहर की दाल चावल के साथ मिला के सुबह सुबह, ठीक है, प्रभावित व्यक्ति के मलमूत्र को, हे भगवान, पीने के पानी में मिलाने से कौन सा रोग फैलता है। प्रभावित व्यक्ति के मलमूत्र को, कोई व्यक्ति बीमार है उसका मलमूत्र को पानी में मिला दिया और मिलाने के बाद में कौन सा रोग दोस्तों फैलता है। प्रभावित व्यक्ति के मलमूत्र को पानी के मिलाने से, क्या पढ़ रहे हो, प्रभावित व्यक्ति के मलमूत्र को पीने के पानी में मिलाने से कौन सा रोग फैलता है। कोलेरा, अच्छा चलिए याद रखना कोलेरा, CHO, इसको कहते क्या है, कालरा जानते हो, याद रखना। अगला है 159, मिनी माता रोग एक तंत्रिका संबंधित विकार है जो मछली खाने से होता है, जो डैश से दोस्तों प्रदूषित है, किससे, याद रखना दोस्तों मरकरी से, किससे मरकरी, और याद रखना मिनी माता के रिलेटेड में दोस्तों कन्वेंशन भी होता है, मिनी माता के लिए सम्मेलन भी होता है, इसके लिए याद रखना दोस्तों आपकी समिट का भी शुभारंभ किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 160वां क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल माना जाता है, सर्वदाता, वो किसी भी व्यक्ति को अपना खून दोस्तों दे सकता है, किसको कहा जाता है, ओ नेगेटिव को, ठीक है ओ नेगेटिव को। अगला है दोस्तों 161, ओ नेगेटिव, एक शब्द होता है नेगेटिव, नेगेटिव गलत शब्द है, नेगेटिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है, पुराने जमाने में जो दोस्तों आपकी फोटो वगैरह के लिए की जाती है, Thank you.
ओ नेगेटिव, ठीक है, सबको दे सकता है। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्कों के निर्माण में दोस्तों मदद कर देता है? आपको पता होगा इसको हम लोग दोस्तों प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के रूप में जानते हैं। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का इसी से रिलेटेड है दोस्तों। और इन ये जब इंसान बीमार होता है तो ये कम, ये क्या हो जाती है, गिरने लगती है, जिससे डेथ भी हो सकती है इंसान की, ठीक है, याद रखना। 165 कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं, कोशिकाओं की संरचना वो कौन सी है जिसमें प्रकाश अवशोषित करने का क्या होता है दोस्तों, प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखना इनको क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर जो बना था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग याद रखना दोस्तों टोक्यो, जापान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 164, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सी के नायडू कप खिलाड़ियों को दिया जाता है, किस खेल के खिलाड़ियों को? रणजी ट्रॉफी समझ लो, बाकी तो अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, CRI, CKET, क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, मतलब क्रिकेट से संबंधित है रणजी, देवधर और सीके नायडू कप। अगला है दोस्तों और महत्वपूर्ण, ये दो हैं देवधर और आपकी रणजी, 165 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं उनका नाम क्या है? द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर, ऑप्शन में बहुत तगड़े ऑप्शन दोस्तों इसमें आपके लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, ऑप्शन में याद रखना आपको दिया जाएगा ऑप्शन क्या, क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एक आपका दोस्तों चाइना है, एक आपका यूएसए है, एक आपका दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है, एक आपका दोस्तों याद रखना रशिया है, और एक आपका यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका दोस्तों फ्रांस, कौन सा देश, एक और मिल जाएगा आपको दोस्तों आपका फ्रांस। तो ये 5 के 5 आपको देश याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर सर जी 166, बिजली की खोज किसने की और बिजली की छड़ और बायोफोकल लेंस का आविष्कार उसी व्यक्ति ने किया, भाई का नाम क्या था? तो याद रखना क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको किस नाम से जाना जाता है? याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 167, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष में हुई थी, भारत में पहली बार जो पूर्ण जनगणना हुई थी कि कितने लोग रहते हैं वो वाली, तो भैया बताइए पूर्ण जनगणना जब हुई थी तब हुई सर कब थी, ये आपको बताना है। ओके 1881 में, बहुत बढ़िया 1881 में, और याद रखना भारत के अंदर पहली बार जाति जनगणना, जाति और जनजाति जनगणना वर्तमान में हो रही है, जनजाति और दोस्तों जाति जो जनगणना की जा रही है, ठीक है, आरक्षण इत्यादि इत्यादियों के लिए ऐसा करने वाला पहला राज्य जो बना है वो आपका बिहार बना है। और याद रखना पक्षी जनगणना करने वाला राज्य कौन सा है, कब, वेटलैंड डे पर पक्षी जनगणना 2021 में शुरू करने वाला भारत का जो राज्य बना था वो आपका दोस्तों वेस्ट बंगाल, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन, क्या थी, URBAN, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अगला देखो 169, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से दोस्तों लगाया जा सकता है, तो आपको याद रखना दोस्तों आपका एक वेद है, 4 वेद होते हैं और वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है, तो याद रखना किस वेद से, यजुर्वेद से, एकमात्र वेद है, याद रखना दोस्तों आपका यजुर्वेद से आप पता लगा सकते हैं। 170, व्याकरणिक कार्य अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने दोस्तों लिखी थी, 170 का आंसर तो याद रखना पढ़नी के द्वारा, इस पुस्तक को लिखा था आपके पढ़नी ने, पढ़जी, तो वो तो गोवा के पास है, पढ़नी ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, भारत का प्रथम भ्रमण करने वाला जो व्यक्ति था, भाई का नाम क्या था, भाई का नाम क्या था, याद है, बास को डिगामा मत कर देना, उसे तो खोज की थी, मेगस्तनीज,
भाई का नाम क्या था याद रखना दोस्तों, मैगस्थनीज। भाई का नाम क्या था याद रखना दोस्तों, मैगस्थनीज भाई का नाम था। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध 150 वर्ष में दोस्तों हुआ था, कब हुआ था तो याद रखना, मौर्य वंश की बात की जाए तो पहुंच जाओ बीसी में, 261 BC में। ये डिटेल आपको वन लाइनर बुक में मिल जाएगी। अगला है 173, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली का दोस्तों जो संयोजन था उसको आप लोग किस नाम से जानते हो, तो याद रखना कनिष्क। हाँ जी, इसका संबंध किससे, कनिष्क थे, किससे है याद रखना दोस्तों आपके, कनिष्क से। अगला है 174, चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर दोस्तों स्थित है, तो याद रखना तंजौर में। ये कहाँ पर है आपके, तंजौर में दोस्तों आपके स्थित है, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। 175, गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, इनका नाम था आर्यभट्ट। इस व्यक्ति का नाम क्या था, इस व्यक्ति का नाम दोस्तों आर्य भट्ट था। 176, नालंदा विश्वविद्यालय जिसको महाविहार का निर्माण करवाया था दोस्तों कहां से रिलेटेड है, तो याद रखना आपके नालंदा विश्वविद्यालय जिसको आप लोग महाविहार के नाम से जानते हो, का निर्माण किसने करवाया था, यार ये तो हमें भी नहीं पता है। वो तो नहीं थे आपके कोई कमेंट करो भैया किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने तो नहीं करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने ही, नहीं, हाँ कुमार गुप्त के द्वारा ही दोस्तों करवाया गया था, ठीक है, नालंदा का कुमार गुप्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 175 76 प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण डैश द्वारा किया गया था और ये खजुराहो फेस्टिवल मनाया जाता है कहां पर, मध्य प्रदेश में, यहीं पर दोस्तों तानसेन फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाता है जो अभी वर्तमान में दोस्तों आपके व्यास जी को दिया गया था, एक व्यास जी थे उनको दिया गया था। तो बताइए इसका संबंध दोस्तों कहां से है, किसने करवाया था ये आपको बताना है। खजुराहो याद रखना चंदेलों की द्वारा, किसने करवाया था, चंदेलों, चंदेलों के द्वारा। अगला है दोस्तों 178, कोलेरू झील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है किस राज्य में स्थित है, और झील का नाम है कोलेरू। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या रखोगे कि कोलेरू झील का संबंध दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश से है, किससे है, अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, अरुणाचल में ए आर होता है और आंध्र में ए एन होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। दो नई झीलें याद रखना यूपी ट्रिपलसी पैट में पूछी गई थी, एक नाम था सूर्यधार लेक, क्या नाम है इसका, सूर्यधार लेक, और सूर्यधार लेक जो नई लेक है ये आपके दोस्तों उत्तराखंड की है। एक नई लेक और बनी जिसका नाम है चित्तौरा लेक, एक नई और लेक बनी जिसका नाम है दोस्तों याद रखना चित्तौरा लेक, और चित्तौरा लेक का संबंध कहां से है आपको याद रखना है आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है चित्तौरा लेक, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है सर, कौन सा, चिल्का लेक कहां पर है आपको पता है उड़ीसा में, एक है पंचमुली लेक कहां पर है याद रखना आपके गुजरात में, कुछ 592 मगरमच्छ 192 मगरमच्छ वहां से स्थानांतरित किए गए हैं याद रखना, जो केवड़िया के पास स्थित है पंचमुली लेक, ठीक है, जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। और याद रखना संजय लेक कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है, आपकी चिल्का लेक हो गई आपकी, अथवा कार्यक्रम चलाया गया डल लेक के लिए, डल लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है याद रखना, पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में जहां पर पक्षियों की मृत्यु हुई थी ये भी याद रखना, सब डन करवा दिए चर्चित जो जो भी थी।
अगला, भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसमें सबसे कम जिले और सबसे छोटी दोस्तों तट रेखा है, ऐसा राज्य कौन सा है? सबको बताया हेमंत सोरेन भाई, वो आपके प्रभु सावंत जी गोवा, यहाँ के मिनिस्टर हैं वो, चीफ मिनिस्टर। समान ऊंचाई के स्थानों को समान अंतराल पर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से इसको दोस्तों, क्या कहा जाता है? समान ऊंचाई के स्थानों को समान अंतराल पर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? इस रेखा को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कंटूर, क्या बात है, याद रखना इसको हम लोग कंटूर लाइन कहते हैं, कंटूर लाइन। अगला क्वेश्चन देखो, 181 बार, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, इसका एक अभिन्न अंग है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखना ग्रीनलैंड, एक आपका हो गया यहाँ पर डेनमार्क, ये इसका अभिन्न अंग है, सबसे बड़ा द्वीप है, 182 लेकिन देश है। जिस स्थान पर नदी के खारे पानी और मीठे पानी का लगातार मिलन होता है उसको क्या कहते हैं भैया? जिस स्थान पर नदी के खारे पानी और मीठे पानी का लगातार मिलन होता है क्या कहलाता है? मुहाना जानते हो, याद रखना मुहाना कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 183, कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से दोस्तों बिखर कर देती है? ओजोन, गैस तो नहीं होगा यहाँ पे, ओजोन परत होगी, ठीक है, ओजोन परत। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ओजोन 16 सितंबर को हम लोग ये दिवस दोस्तों मनाते हैं। अगला 184, पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल में, जल से दोस्तों भरा हुआ है? क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से दोस्तों घिरा हुआ है, तो क्या बता दोगे? सबको पता है दोस्तों लगभग 1/3 यानी कि लगभग 70। 185, विश्व की सबसे गहरी खाई द मरियाना स्ट्रेच अवस्थित है, लेकिन सर जी कहां पर अवस्थित है? यहीं पर है हमारे पैसिफिक ओशन में, ठीक है, और ऐसे तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अलग अलग महाद्वीपों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 186, जब डेली करंट अफेयर में हम लोग जुड़ेंगे ना 28 तारीख से यानी कल से, तब इनकी चर्चा करेंगे बड़ी डिटेल में। अगला है, विश्व में सोना, ऊन और बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक जो है उस देश का दोस्तों नाम क्या है? एकमात्र देश आपको मिलेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला है 187, ज्वालामुखीय वेंट वाले गोलाकार कप या कटोरे के आकार के अवसाद को क्या कहा जाता है? याद रखना इसको दोस्तों हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं, क्रेटर के नाम से इसको हम लोग दोस्तों जानते हैं। 188, ओके, चैनल टनल एक समुद्र के नीचे की सुरंग को जुड़ने का नाम है, कहां पर स्थित है चैनल टनल? याद रखना फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य, याद है ना, इंग्लिश चैनल, फ्रांस और आपके इंग्लैंड के मीरसैन और भारत के आरती शाह। अगला है 189, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? BSE यानी कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो याद रखना आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये कहां पर स्थित है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 190, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, याद रखना आपके मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में भारत का 55वां टाइगर रिजर्व, 54वां रानीपुर, ये कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में, और एक और कर्णावती करके है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, याद रखना, ये हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था 22 अक्टूबर को, ध्यान देना, न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वह कौन सा है? एकमात्र है सुंदरवन, यहीं पर अपने भारत में, कौन सा है? याद रखना दोस्तों आपका सुंदरवन।
ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार था क्या? तो याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान। भारत की संविधान का सभा का जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान ये आया कब था दोस्तों? 1946 में। अगला है दोस्तों 193। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची को संविधान से अपनाया गया था कब? किस देश के संविधान से अपनाया गया था? समवर्ती का मतलब है जो राज्य और केंद्र के मध्य में हो, एक केंद्र सूची राज्य सूची के मध्य में समवर्ती सूची जो दोनों का काम करती है, जो दोनों में समान होती है। भारतीय जैसे एजुकेशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से दोस्तों लिए गए थे? हम लोगों ने इनको यूएसए से लिया था मौलिक अधिकारों को। 195। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? किसके पास पावर होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये पावर होता है कि ये संसद के दोनों सदनों को साथ में बुला सकता है। 196। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को निम्नलिखित में से भरा जाना चाहिए, कितने दिन तक भर देना चाहिए? 6 महीने तक ही इनकी जो सीट है वो दोस्तों खाली रह सकती है। ना उपस्थित होने पर इनका कार्य दोस्तों उपराष्ट्रपति करेगा, और उसके भी ना होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था सर्वप्रथम? तो याद रखना स्टार्टिंग हुई थी भाषाई आधार पर 1956 में, और भारत का पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य, मतलब नया राज्य बना था। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या, सब्जेक्टों की संख्या 97 है। 199। केंद्र सरकार संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग की दोस्तों नियुक्ति की गई थी? तो याद रखना सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया कमीशन का दोस्तों गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 200। समान कीमत पर समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बड़ी संख्या में फर्मों की स्थिति को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? समान कीमत पर समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बड़ी संख्या में फर्मों को क्या कहा जाता है? मतलब उनकी समान कीमत है, समान वस्तुएं भी हैं, मतलब दोनों बराबर हैं, इनको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना इसको हम लोग दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन के रूप में इसको हम लोग दोस्तों जानते हैं। ठीक है, ये थे आपके संपूर्ण 200 और क्वेश्चन। 500 सीरीज की क्वेश्चन सीरीज खत्म हुई 4 दिनों में, 24, 25, 26, 27। आज 27 अक्टूबर है और आपको याद रखना है 27 अक्टूबर दोस्तों आज की डेट है, आज आपकी लास्ट डेट भी है। और लास्ट डेट किस चीज की है आपको याद रखना है, आपके दिवाली में जो आपको ऑफर दिया गया था उसके लिए। और ये दिवाली ऑफर में क्या ऑफर आपको दिया गया था? ठीक है, दिवाली ऑफर क्या दिया गया था? अगर आप लोग एग्जाम्पल के किसी भी कोर्स को एनरोल करते हो और दिवाली 75 का कोड का यूज करते हो तो कोई भी कोर्स आपको दोस्तों 75% ऑफ मिलेगा। कोई भी कोर्स आपको 75% दोस्तों ऑफ मिलेगा। दूसरी बात याद रखना, किसी भी कोर्स को परचेज करने के बाद में डिटेल आपसे मांगी जाएगी वहीं पर, और 1 से लेके 15 नवंबर के बीच में आपको एक फ्री बुक भी मिलेगी। इसी कोर्स के साथ में आपको एक दोस्तों फ्री बुक भी मिलेगी। सर ये फ्री बुक का नाम क्या होगा? याद रखना मैथ मिरर। आप जानते हो मैथ मिरर बुक को ऑलरेडी, एरर लेस बुक होगी मैथ मिरर, और ये आपकी अमित वर्मा सर की है। ठीक है, अमित वर्मा सर की ये बुक है मैथ मिरर, जिसकी कीमत दोस्तों 500 रुपए है। लेकिन अगर आप इस बैच को बुक करते हो तो ये बुक साथ में आपको मिलेगी, और बिल्कुल दोस्तों फ्री में आपको ये बुक मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम्पल की संपूर्ण बुक्स, चाहे किसी भी बैच में आप हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2499 का सेट है, लेकिन दिवाली ऑफर यहाँ पे भी चल रहा है। अगर आप इस बैच को, अगर किसी भी बुक के बैच को आप 30 अक्टूबर से पहले लेते हो,
30 अक्टूबर से पहले लेते हो तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1299 में ये बुक्स आपको दोस्तों मिल जाएंगी। ये भी आपके लिए ऑफर वर्तमान में उपलब्ध है, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको याद रखोगे, दिवाली वाली और एक आपके सामने है जो ऑफर है, ठीक है। ये रहा आपके सामने दिवाली। एग्जाम्पल के कोर्सेज में और पाए 75% डिस्काउंट और ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। आज डेट है आपकी 27 अक्टूबर। सबसे बड़ा डिस्काउंट 75% क्योंकि 2499 का बैच MTS का था और वो सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको मिल रहा है। कितने में? 999 में। लेकिन 999 में तब मिला जब 60% डिस्काउंट था और अब डिस्काउंट हो गया है 75%, मतलब 15% और बढ़ गया। किस पर? 999 पर नहीं, उस पर बढ़ा है जाके 2499 पर। तो याद रखना 75% डिस्काउंट के बाद में वही लगभग 500-600 की पड़ेगी जाके, और फिर उसके साथ में एक 500 रुपए की बुक आपको फ्री में मिल रही है। तो बैच हो गया 100-150-200 रुपए का, याद रखना आपको, ठीक है। अब आप देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हैं। मजा आया? 500 क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने दोस्तों इन्हें 4 दिनों में कंप्लीट कर ली है, सिर्फ 4 डेज में। और ये 4 दिन कौन से वाले? दिवाली वाले। अब कल आपकी 28 तारीख है, कल आप लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर करोगे, परसों आप लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर करोगे, और नरसों है आपकी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को आप लोग मेरे साथ वीकली करंट अफेयर करोगे। वीकली करंट अफेयर में 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं डेली करंट अफेयर के, क्योंकि 28, 29 के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मेरे साथ 2 दिन के, बाकी 4 दिन के क्वेश्चन छूट गए हैं जो आपने भी नहीं पढ़े, हमने भी नहीं बनाए। लेकिन 30 तारीख को जो करंट अफेयर होगी वीकली, उसमें आपको सारे क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हमने आपसे कहा है कभी भी क्लास में कोई क्लास दिक्कत हो जाती है या कोई बात हो जाती है, लेकिन आपकी PDF और क्लास जो होगी वो प्रॉपर तरीके से होगी और सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। ये बात ऑलरेडी आपको याद रखनी है, मेरे साथ आपका सिंगल क्वेश्चन छूटने वाला दोस्तों नहीं है, ठीक है। चलिए भैया, तो ये था आपका आज का महत्वपूर्ण सेशन जो आपने मेरे साथ कवर किया, ठीक है, कंप्लीट दोस्तों तरीके से। चलिए फिलहाल में आप वक्त आ गया है विदाई लेने का, कल आते हैं आपके सामने डेली करंट अफेयर के साथ में घर से घूम घाम के, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे फिर से SSC एग्जाम एग्जाम्पल पर। तब तक लिया सभी को तहे दिल से दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। And